उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित यूथ एज जॉब क्रिएटर्स कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूं। वो भारत के ज्योतिपुंज और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया कि अपने जीवन के पल पल का प्रयोग करो। सीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का उत्तराखंड से भी आध्यात्मिक रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें आदर्श मान कई कार्य किए हैं। आज के कार्यक्रम की थीम प्रदेश के युवाओं पर सटीक बैठती है। हमारे युवा जिस तरह दूसरे युवाओं को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। हम सबको ये स्मरण दिलाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कम आयु में पूरे विश्व के अंदर धर्म की ध्वजा को फहराने का काम किया था, पूरे विश्व के अंदर धर्म को ले जाने का काम किया था। और आप सबको पता होगा कि जब उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में अपना भाषण प्रारंभ किया था तो लोग वहां ये सोच रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलेंगे, किस उद्बोधन से, किस उच्चारण से वो अपना उद्बोधन शुरू करेंगे। और जब उन्होंने शिकागो में कहा माय सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और इस प्रकार से भाइयों एवं बहनों कहकर उन्होंने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो संपूर्ण विश्व के आए हुए लोगों को ये सोचने पर विवश किया कि हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम पूरे विश्व को क्या समझते हैं। और उन्हीं सब बातों को आज हमारे प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था, सब जानते हैं ना। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में आज हम फिर उसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर, आज अभी हमने G20 का सफल आयोजन देश के अंदर किया,